मतलब ये मेरी मार्वल की पहली मूवी बन चुकी है जो कि मैंने इसका पहला शो सुबह मॉर्निंग में देखा। लिटरली मैंने आज तक कभी कोई भी मार्वल की मूवी इतनी जल्दी नहीं देखी है जितनी मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी देखी थी। एक हफ्ते पहले टिकट मैंने बुक कराई थी और मैंने सोचा कि शायद जल्दी बुक कर लूं क्योंकि मार्वल फैंस इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो फटाफट इसकी टिकट बुक करेंगे। पर हुआ क्या, जब मैं मॉर्निंग में पहुंचा मुझे थिएटर लिटरली खाली मिला। कुछ एकाध दुक्का लोग थे उसमें थिएटर में और कुछ कपल्स के साथ थे। अब वो मूवी देखने आए थे, क्या करने आए थे वो मुझे आइडिया नहीं है क्या करने आए थे, पर भाई मेरा मूड खराब सा हो गया। पर कोई बात नहीं, मैं डाई हार्ड मार्वल फैन, मैं अकेला देखने को राजी हूँ और पूरा थिएटर अकेले ही लगता हूँ इतना मुझे मालूम है। और ये मल्टीवर्स मूवी थी और फाइनली वैसा ही हुआ। अब स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगा और क्या क्या मूवी में देखने को मिला, क्या ये मूवी देखने लायक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देखने से पहले मेरा वीडियो देखो फिर मूवी देखने जाना। तो मार्वल स्टूडियो साल 2022 की एक बेहतरीन प्रस्तुति करता है जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के नाम से ही पता चल जाता है कि कितना ज्यादा पागलपंती होने वाली है इस मूवी में। इस मूवी का नाम तो डॉक्टर स्ट्रेंज है पर एक्चुअली में इसका नाम होना चाहिए स्कारलेट विच मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, क्योंकि इस मूवी का जो मेन प्लॉट था वो उसी के ऊपर बेस्ड था और एक ऐसी स्टोरी स्कारलेट विच ने क्रिएट करी जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। मूवी बहुत कमाल की तरीके से स्टार्ट होती है, एक ऐसे एक्शन से स्टार्ट होती है जो कि शायद हमने उम्मीद भी नहीं करी थी। इस मूवी के मल्टीवर्स के साथ साथ इसमें काफी सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको हिला डालेंगे। मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, मैं बताना नहीं चाहूंगा कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है, पर काफी सारे कैमियोस, स्टोरी में हॉरर सीन देखने को मिला जो कि आपको बीच बीच में डराते हैं और ऐसे सीन फैंस को बांधे रखते हैं। मूवी की टाइमिंग 2 घंटे से ज्यादा की थी और आपको लिटरली बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि 2 घंटे आपके कब खत्म हो गए और आप यह बोलोगे मूवी खत्म, भाई हो क्या रहा है। मार्वल फैंस को और भी इसकी रनिंग टाइमिंग ज्यादा चाहिए थी क्योंकि 2 घंटे मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा कम लगे। मूवी में जैसे जैसे बीच में कैमियोज आते हैं, जैसे जैसे हॉरर सीन आते हैं, जो साउंड है, जो VFX है, वो बहुत ज्यादा कमाल का है, तो हर रोम रोम खड़ा हो जाता है। और अगर आप मार्वल डाई हार्ड फैंस हो और आपको डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखनी है तो आपको ये कुछ चीजें भी पहले देखनी पड़ती हैं, जैसे कि व्हाट इफ की सीरीज हो गई, वांडा विजन हो गई, डॉक्टर स्ट्रेंज हो गई, लोकी सीरीज हो गई, स्पाइडरमैन नो वे होम हो गई, उसके बाद ये डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इन सब सीरीज या मूवी से निकल के आता है। अगर आपने ये सब देखें तो आप डॉक्टर स्ट्रेंज को इजीली समझ सकते हो। अगर आप एक नॉन मार्वल फैन हो तो आप इस मूवी को नहीं समझ सकते हैं, तो कृपया करके इन सब सीरीज या मूवीज को जरूर देखें। मूवी ओवरऑल बहुत ज्यादा कमाल की थी, मूवी में कहीं भी कमी नहीं लगी थी, बस एक कमी थी रनिंग टाइमिंग की जो कि मुझे लगा। अब मूवी का आगे प्लॉट होल क्या होगा, क्योंकि इसमें हमें मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला जो कि लिटरली बहुत ज्यादा कमाल का था। और आने वाले टाइम में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में क्या होने वाला है और उसी के साथ जो एक नया कैरेक्टर इन्होंने इंक्लूडिंग करा है अमेरिका चेविस का, आने वाले टाइम में सीरीज में या मूवीज में कैसे कनेक्ट होगा, तो ये काफी देखने दिखाने लायक होने वाला है। तो मार्वल बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ मार्वल धूम मचाने वाला है। मार्वल स्पाइडरमैन नो वे होम, इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम मूवी के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी मूवी है और डॉक्टर स्ट्रेंज आपको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन देती है थिएटर्स में। ये मूवी 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम तो है देखने लायक। पहले आप इसे 3D में देखिए, फिर उसके बाद 2D में देखिए, फिर आपका अगर मन नहीं भरता है तो एक और बार और देख लीजिए, पर ये मूवी 1 टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, 3 टाइम तो देखने लायक है। मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी है और अगर रेटिंग्स की बात करी जाए तो मैं इसे 5 में से 5 दूंगा और VFX, हॉरिबल साउंड, मुझे सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद आया। आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और उसी के साथ अब बात करेंगे थ्योरी से, एक्सप्लेनेशन और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में क्या क्या होने वाला है, हर प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिव्यू पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना।